अभी हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा पीएससी लेक्चर आर के बारे में। तो उसका एग्ज़ाम हुआ है 11 जून 2022 को। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर आया है और आंसर्स क्या हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए प्रूफ रेजिलेंस, सेकंड का हो जाएगा सी 75 mm, थर्ड का हो जाएगा 116.7 mm, फिर फोर्थ का हो जाएगा 1000 न्यूटन। इसमें इनिशियल टेंशन अपने को निकालना है, तो ये इनिशियल टेंशन होता है T1 प्लस T2 अपॉन 2। फिफ्थ का देखिए, फिफ्थ का आई थिंक इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर सिक्स्थ का हो जाएगा टाइम पीरियड विल इंक्रीज, सी ऑप्शन हो जाएगा, तो सिक्स्थ का सी हो जाएगा। फिर सेवन्थ में इन्वोल्यूट, सी ऑप्शन। एट्थ का हो जाएगा डी, नाइन्थ का हो जाएगा बी, और टेंथ का हो जाएगा बी, इलेवन का हो जाएगा बी 77%, ट्वेल्व का हो जाएगा ए, थर्टीन का हो जाएगा ए, फोर्टीन का हो जाएगा 15 kJ, फिर फिफ्टीन का हो जाएगा सी, सिक्सटीन का हो जाएगा ए, सेवनटीन का हो जाएगा बी, एटीन का हो जाएगा डी, क्योंकि फ्रिक्शन वेल्डिंग में मेल्ट नहीं होता तो इस वजह से डी हो जाएगा। नाइनटीन्थ में हो जाएगा डी, ट्वेंटी का हो जाएगा बी, 21 का हो जाएगा बी, फिर 22 का हो जाएगा 20 degree सी, 23 का हो जाएगा ए, 24 का हो जाएगा 1.8 kW, 25 का हो जाएगा टोटल फ्लोट बी, फिर 26 का हो जाएगा ए, 27 का हो जाएगा एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, 28 का हो जाएगा डी, 29 का हो जाएगा डी, फिर 30 का हो जाएगा बी, 31 का हो जाएगा ए, 32 का सॉल्व करना पड़ेगा, 33 का हो जाएगा ए, 34 का हो जाएगा ए, 35 का हो जाएगा ये देखिए इसमें आप सॉल्व करेंगे तो 12 आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आई थिंक बी ऑप्शन ये लोग देंगे, या कि इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं, तो 35 का देखना पड़ेगा। 36 का हो जाएगा बी, 37 का हो जाएगा डी, 38 का हो जाएगा बी, 39 का हो जाएगा सी, 40 का ए, 41 का फ्लैट बिल्ड क्रोस्ट हो जाएगा तो सी ऑप्शन होगा 41, 42 का हो जाएगा बी, फिर देखिए इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है 42 में, तो इस वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल नहीं आएगा, ठीक ना, तो कोरोलिसिस और रेडियल हो जाएगा, तो 42 का बी। फिर 43 की बात करें तो 43 मैच द कॉलम है, उसका हो जाएगा डी, 44 का हो जाएगा ए, फिर 45 का हो जाएगा ए, 46 का हो जाएगा ए, 70, 47 का हो जाएगा बी, 48 का हो जाएगा डी, 49 का हो जाएगा 78 mm बी ऑप्शन 49 में, 50 का हो जाएगा ए, 51 का हो जाएगा सी, 52 का हो जाएगा ए, इंक्रीसेस यील्ड स्ट्रेंथ एंड करोजन रेजिस्टेंस, तो 52 का हो जाएगा ए, 53 का हो जाएगा ए, देखिए 53 का ए नहीं होगा, इसमें डी होगा, तो 53 का हो जाएगा डी, 54 का हो जाएगा ए, और 55 का हो जाएगा डी, 56 का हो जाएगा सी, 57 का हो जाएगा डी टॉलरेंस ग्रेड, 58 का हो जाएगा सी, 59 का हो जाएगा सी, फिर 60, तो देखिए 60 में हो जाएगा रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग फोर्स, तो अगर आप पॉजिटिव रेक एंगल लेते हैं तो उसमें कटिंग फोर्स उसका कम रहता है। फिर 61 का हो जाएगा डी, 62 का हो जाएगा ए, 62 में टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव ड्रेसिंग होगा तो 62 का ए हो जाएगा, 63 का हो जाएगा, 63 का हो जाएगा ए लो एंड हाई, 64 का हो जाएगा, देखिए वाटर प्रेशर और अब्रेसिव मास फ्लो रेट दोनों में जो उसका रफनेस रहता है वो कंटिन्यूसली कम होता है, तो अगर आपने ए और बी मारा है तो होने के चांस दोनों करेक्ट हैं,
मेरे हिसाब से वाटर प्रेशर ज़्यादा एक्यूरेट है। फिर 65 का हो जाएगा बी, जी जी इज़ लोकेटेड बिलो बी। 66 का हो जाएगा बी। 67 का हो जाएगा पी एंड एस। 68 का हो जाएगा विस्कस एंड इनर्शिया फोर्स, ए ऑप्शन होगा। 69 में हो जाएगा सी, और 70 में हो जाएगा ए, 71 में हो जाएगा बी, 72 में हो जाएगा थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड, तो डी ऑप्शन होगा। 73 में हो जाएगा सी, 74 में हो जाएगा सी, 75 में हो जाएगा ए, 76 में हो जाएगा 1/9, 77 में हो जाएगा 0.02, गेट का क्वेश्चन है। फिर 78 में होगा 1 टन, 79 में हो जाएगा सी बिटवीन द कंप्रेसर एंड द कंडेंसर। फिर 80 में हो जाएगा डी, 81 का बी, 82 में हो जाएगा डी, 83 में हो जाएगा डी, 84 में हो जाएगा सी, 85 में हो जाएगा ए, 86 में हो जाएगा शॉर्ट पिनिंग। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है शॉर्ट पिनिंग, और अभी जो UPSC AE का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें प्लेटिंग वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो बहुत लोग जो कोटिंग का ऑप्शन था उसमें सही किए थे, तो देखिए वो नहीं सही होता। तो 86 का हो जाएगा डी, 87 का हो जाएगा डी कोबाल्ट, 88 का ए, 89 का 1.25 mm, 90 में हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, 91 का हो जाएगा एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर बी, 92 का हो जाएगा डी, 93 का हो जाएगा बी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर विथ हाई डेंसिटी, 94 का हो जाएगा डी पॉलीस्टायरीन, फिर 95 का हो जाएगा डी सेक अलाउंस, 96 का हो जाएगा ग्रेन ओरिएंटेशन डी, 97 का हो जाएगा 5208 सी ऑप्शन, 98 का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, 99 का हो जाएगा डब्ल्यू सी आर वी ए ऑप्शन, और 100 का हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।